हेलो फ्रेंड, आपका वेलकम करता हूं गार्निंग बॉय यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रही है, मुझे पता है आप सब लोगों की शिकायत है। तो दोस्तों, कुछ काम में मैं बिजी था इसलिए नहीं बता पाया। तो दोस्तों देखिए, मेरे अब टेरेस गार्डन में जो हमारे सर्दी के जो प्लांट है वो उनके आने का टाइम हो गया है, और जो गर्मी के प्लांट है वो इस समय रेस्ट पे है। तो देखिए, चारों तरफ बिखरे बिखरे पत्ते पड़े हुए हैं, देखिए हर जगह। और धीरे धीरे करके इनके पत्ते जो हैं, ये लीव्स जो है कि येल्लो होके गिर रहे हैं, तो ये घबराने की बात नहीं है। अब इन प्लांटों के एक सोने का टाइम आ गया है, अब ये सोएंगे सर्दी भर, और फिर जब बाहर के दिन फरवरी के बाद चालू होंगे तो फिर से इनमें नई ग्रोथ आएगी। तो दोस्तों, ये एक नेचर का ही काम है। तो दोस्तों, अब हमको बस इतना ध्यान रखना है कि हमको अब इनमें कोई फर्टिलाइज़र नहीं देना है। अब हमारे को जो सर्दी वाले प्लांट है वो हमें लगाने हैं। तो आगे आप लोगों को वीडियो मिलेगी हमारे सर्दी वाले प्लांटों की। तो ये देखिए, अब सदाबहार में भी छोटे छोटे फ्लावर आने लग गए हैं, और हमारे ये गुलाब है। अब आगे आने वाली वीडियो में आपको गुलाब के बारे में भी जानकारी मिलेगी। तो बस आज की वीडियो जो थी हमारी, ऐसे ही मैंने आप लोगों को दिखा दी है। तो दोस्तों, आप लोग चैनल पे बने रहिए, अब आने वाले टाइम में आगे वीडियो आती रहेगी। तो दोस्तों, बस अपना ख्याल रखें। तो ये देखिए, हमारे बोगनविलिया पे भी धीरे धीरे जो है कि फ्लावरिंग कम हो गई है, और ये तुलसी का प्लांट इसी में खुद ही ग्रो हो गया है। तो ये देखिए, इधर भी बोगनविलिया है, जो अभी इनके ये है रेस्ट का टाइम है। इस समय फ्लावरिंग भी उतनी अच्छी नहीं हो रही है, शायद ये लास्ट फ्लावरिंग है इनकी। अब 15 फरवरी के बाद ही इनमें कोई बाहर आएगी। ये हमारा इधर देंथस देखिए। तो दोस्तों, आगे भी हम आपको बहुत सारे सर्दियों के प्लांट दिखाएंगे जो आप लगा सकते हैं और अपने टेरेस गार्डन को बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं। तो ये देखिए, इधर ये सदाबहार है, इसके भी फ्लावर बहुत छोटे होने लगे हैं, और धीरे धीरे इनके जो लीव हैं ये येल्लो होके गिरने लग रहे हैं। तो ये घबराएं ना आप, इनको 15 फरवरी के बाद इनकी प्रूनिंग कर दें, कट कर दें, तो क्या होगा, जब इनमें नई ग्रोथ आएगी तो और भी घना प्लांट और बहुत सारे इनमें फ्लावर आएंगे। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, बस इन्हें यही है कि इन्हें फर्टिलाइज़र बंद कर। इधर देखिए ये दोस्तों, इधर हमारा ये है गुड़हल का प्लांट, तो इनमें अभी फ्लावरिंग हो रही है, देखते हैं आगे कब तक होएगी। तो बस आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, गुड बाय।